हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ये वीडियो मैं यहाँ पे एक बाम्बू ले लिया हूँ और मैं इसकी साइज़ मैंने आपको दिखा दिया, 4.5 फीट का मैंने ये बाम्बू लिया हुआ है बांस का। इसमें मैंने ऊपर के साइड यहाँ पे मैंने होल कर लिया है, आपको भी होल कर लेगा। अगर आपके पास ड्रिल मशीन अगर होगा तो उसी से आप होल इसमें कर सकते हैं। मैंने इसमें होल करके रखा है और मैंने यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें लिए हैं। मैं यहाँ पीवीसी सीट लिया है गोला सा, चार्जिंग पिन कनेक्टर लिया है और डायोड रजिस्टर, चार्जिंग पिन लाइट, बैटरी, स्विच, छोटा सा एलईडी जो 3.7 वोल्ट से चलेगी। मैं इसे कट करके निकाल लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि वहाँ पे हमें फिक्स करने के लिए जगह तो नहीं रहेगा, इसलिए मैं वहाँ पर छोटा सा जो ये चार्जिंग पिन है मैं इसी वर्क को मैं लगाऊंगा। उसका जो सारा हिस्सा था मैंने निकाल दिया। चार्जिंग पिन कनेक्टर की मैं साइज यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे इसका खांचा मार दिया है, मैंने इसे एक्सो ब्लेड से कट करके, उसके बाद यहाँ पे मैंने वो डोरे का यूज किया है ताकि यहाँ पे अच्छे से ये फैब्रिक को सोख ले, ताकि वो हमारा चार्जिंग पिन कनेक्टर वहाँ से अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक डायोड लिया हुआ है, उसके बाद मैंने प्लस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। डायोड का मैंने ब्लैक वाला पार्ट इस चार्जिंग पिन की प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया और सिल्वर वाला बैटरी पे जाएगा। और मैंने यहाँ पे मैंने एक इंडिकेट लाइट लिया है, छोटा सा एलईडी, उस पर प्लस वाले पॉइंट पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, 1K का रजिस्टर है। उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरह फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्लस वाला पॉइंट मैंने नीचे से लाया हुआ हूँ, मैं आपको भी सोल्डिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ फेवी किक से, मैं डायोड को पकड़ लेता हूँ ताकि वो नीचे ना गिर जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया था और रजिस्टर का प्लस वाला पॉइंट मैंने प्लस पे कनेक्ट कर लिया चार्जिंग पिन के। उसके बाद मैं माइनस वाला भी कनेक्ट यहाँ पे कर लिया, उसको कट कर दे रहा हूँ, बहुत बड़ा है। और अगर आपको ये समझ में ना आए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो कि आपको वीडियो मेरे चैनल के जाएंगे चैनल पेज पर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। चार्जिंग पिन का मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाला हुआ है। और मैंने यहाँ स्विच ले लिया है छोटा सा, इसमें 3 आपको कनेक्शन दिए रहेंगे, या आपको 2 राइट के लेने हैं या 2 लेफ्ट के लेने हैं, 2 ही लेना है। उसके बाद मैं यहाँ फिक्स कर लिया है, आपको कट कर लेना है बास में कैसे कहाँ कहाँ फिक्स करना है। मैंने तो आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो लाइट है, जो स्विच है, आपके पास अलग अलग स्विच होगा क्या पता, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिक्स कर ले रहा हूँ पीयूसी पाइप पे, वीडियो में जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ सेम इसी प्रकार आपको करना है। अगर मैं चाहता तो एलईडी को मैं बांस पर साइड में लगा सकता था, तो मैंने यहाँ पे अभी लगा दिया है। कमेंट करके बताना कहाँ लगाना चाहिए था हमको, तो मैंने तो यहाँ पे लगा दिया इसके सामने। अगर आप खेत में जा रहे हैं, अगर काम वाम कर रहे हैं तो पानी भर रहे हैं खेत में, तो इससे बांस को वहाँ पे गाड़ कर, अगर कुछ पानी अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको मैं स्विच वाला वायर बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो स्विच का दूसरा वाला वायर था मैंने उसके प्लस वाले एलईडी के प्लस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक वायर अलग से ले लिया है, उसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ बैटरी के माइनस वाले में, उसके बाद एलईडी के माइनस वाले में कनेक्ट कर लेते हैं दोनों वायर को। जो मैं एक अलग से वायर कनेक्ट किया था, मैं उसे चार्जिंग के लिए जहाँ पर हमारा चार्जिंग पिन सॉकेट है उसका माइनस वाले सिरे पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने प्लस वाला पॉइंट तो मैंने दे दिया था बैटरी का, लेकिन माइनस वाला नहीं दिया था, माइनस वाला मैं अभी दे देता हूँ। अभी ये मेरी सारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने वायरिंग पे इसका कर दिया और मैं इसे फटाफट अंदर फिक्स कर लेता हूँ, इसके अंदर डाल लेता हूँ बैटरी को। इसके लिए मैं फिक्स करने के लिए ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा ग्लू गन लगाऊंगा, सोल्डर से मैंने इसे गला लिया है, गला कर उसके बाद मैं इसे अंदर डाल लेता हूँ, सारी पैकिंग कर देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
स्क्रू ड्राइवर से मैं अंदर डाल के इसे साइड में दबा देता हूँ ताकि वो बांस के अंदर चिपक जाए अंदर। उसके बाद मैं सारे वायरों को आराम आराम अंदर से डाल देता हूँ, नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक बार अंदर बंद हो जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मैं फेविक से अच्छे से कनेक्ट करके मैं सैंड पेपर से इसे रफ कर चुका हूँ। अब ये अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है। मैं आपको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है। उसके बाद मैं इसे स्विच कर ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ तब पर भी वर्क कर रही है। हमारी एलईडी दोनों बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। मैं गांव में रहता हूँ इसलिए मैंने इसे बांस में बनाया है कि ताकि अगर मैं खेत में जा रहा हूँ, छोटा सा भी है, कहीं रखने का ज़रूरत भी नहीं है मुझे पॉकेट वॉकेट में, तो मैं अगर रात को खेत भरने जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। तो देख सकते हैं मेरे कंधे के बराबर है, थोड़ा सा छोटा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इमेजिंग वीडियो देखने के लिए। मैं नए नए इन्वेंशन ऐसे ही करते रहता हूँ। तो आपको मैं अंधेरे में भी दिखा देता हूँ इसका उजाला आपको कैसा है। मैंने इसमें डबल एलईडी लगाया, आप सिंगल भी लगा सकते हैं। उजाला इसका तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको दूर से ही कुछ देखना है तो आप इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर चैनल पे अगर यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। गुड बाय।